दोस्तों स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले धानी सर्विसेज के बारे में। ये कंपनी अच्छा काम कर रही थी दोस्तों, और इनका बिजनेस मॉडल भी अच्छा था, मगर कुछ तो गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, और ये कंपनी बहुत ही क्रैश हो चुकी है दोस्तों, और पेनी शेयर में आ चुकी है दोस्तों। ये कंपनी अभी भी अच्छा बिजनेस कर रही है दोस्तों, और बस प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इनको, और इन पे कुछ एलिगेशन भी लगे थे, इस वजह से ये कंपनी बहुत क्रैश हो चुकी है दोस्तों। पूरा पेनी स्टॉक बन गया है दोस्तों इस कंपनी का। अभी इस कंपनी में अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों। इस शेयर के बारे में हम डिटेल में जानेंगे अभी। धानी सर्विसेज इज अ कंज्यूमर बिजनेस दैट ऑपरेट थ्रू इट्स एप्स। इनका ऐप है दोस्तों धानी, और ये डिजिटल हेल्थ इंश्योरेंस, डिजिटल ट्रांजैक्शनल फाइनेंस, डिजिटल लोन भी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। और इसकी धानी के ऐड महेंद्र सिंह धोनी करते हैं दोस्तों, इसको प्रमोट महेंद्र सिंह धोनी करते हैं। और ग्रोइंग फ्रॉम पर्सनल फाइनेंस बिजनेस नाउ ऑफरिंग कॉम्प्रेहेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट अक्रॉस बोथ हेल्थ केयर फाइनेंशियल सर्विसेज। कंपनी कंटिन्यूअसली प्रायोरिटीज द नीड ऑफ द आवर इन द कंट्री टू डिजाइन ऑफरिंग मेड फॉर टूडे गियर्ड फॉर टूरो। आप देख सकते हो धानी स्टॉक लिमिटेड इज नोन इंडिया बुल सिक्योरिटी, फॉर्मली नोन एज इंडिया बुल सिक्योरिटी लिमिटेड। तो इसकी वजह से गिर रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो इंडिया बुल सिक्योरिटी लिमिटेड का ये स्टॉक है, और इंडिया बुल्स ने इसमें अभी डिस्काउंट ब्रोकरिंग प्लेटफॉर्म स्टॉक्स लिमिटेड फुली ओन सब्सिडरी, ये इंडिया बुल की फुली सब्सिडरी है दोस्तों। और देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों, प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग कंटिन्यूअसली बढ़ाते जा रहे हैं। आप देख सकते हो दिसंबर 2020 मार्च 2021 में 29.26 थी, दिसंबर 21 में इन्होंने 30% तक लेके गए, और अभी मार्च 2022 में 33% तक है दोस्तों। तो प्रमोटर खुद अपने शेयर खरीद रहे, तो कंपनी में कुछ तो होगा ना दोस्तों, तभी प्रमोटर खुद अपने शेयर खरीद रहे, वो भी इतना क्रैश होने के बाद भी। अभी हम आते कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर के पास है अभी 33%, FIIs है 21.89%, DIIs है 1.4%, और पब्लिक ने दबा के माल उठाया है दोस्तों, 38% पब्लिक है दोस्तों इसमें, और अदर्स है 4.87%। और अभी हम आते कंपनी के रेवेन्यू पे। आप देख सकते हो थोड़ी सी गड़बड़ है इनके फाइनेंशियल में, इस वजह से स्टॉक बहुत ही क्रैश हो रहा है दोस्तों। रेवेन्यू देखिए, 2020 में इनका 2914 करोड़ का रेवेन्यू था, पर डिक्लाइन हुआ 21 में, फिर 22 में थोड़ी सी रिकवरी कर ली है दोस्तों इन्होंने, मगर नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा ये हो चुका है दोस्तों। इनकी कंपनी नेट प्रॉफिट से पूरा लॉस में जा चुकी है, और करोड़ों में लॉस बुक कर रही है दोस्तों। अभी जितना इन्होंने प्रॉफिट भी नहीं बुक किया उतना लॉस बुक कर रही है। 2022 में कंपनी ने 860 करोड़ का लॉस बुक किया है दोस्तों, और इस कंपनी पे डेट भी है दोस्तों। तो आप देख सकते हो ये कंपनी इंटरेस्ट भी बेक कर रही है दोस्तों, 70 करोड़, 59 करोड़, 61 करोड़, और नेट प्रॉफिट इनका कंटिन्यूअसली निगेटिव ही चल रहा है। आप देख सकते हो कंपनी लॉस में ही है कंटिन्यूअसली, और देख सकते हो बियर मार्केट 83% ऑफ निफ्टी 500 स्टॉक गिव्स निगेटिव रिटर्न। निफ्टी तो निगेटिव है ही दोस्तों, पर 500 स्टॉक निगेटिव रिटर्न दे रहा है, और उसमें ये स्टॉक बहुत ही नीचे चल रहा है दोस्तों, बहुत ही गिर रहा है दोस्तों, सर्किट में गिर रहा है ये शेयर अभी। अभी हम आते कंपनी के ओवरव्यू पे। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी है दोस्तों 1805 करोड़, और इसका फेस वैल्यू 2, ये फ्यूचर में स्प्लिट बोनस दे सकता है, मगर ये अभी पेनी स्टॉक बन चुका है दोस्तों। और देख सकते हो इसका शेयर प्राइस अभी 29 रुपीज़ पे आया है दोस्तों, और इसका 52 वीक लो दिखे 28.50, तो 28 रुपीज़ के आसपास लो है दोस्तों, और 52 वीक हाई दिखिए 242 रुपीज़ से गिरा है दोस्तों ये बस। अब देखिए कहाँ से गिरावट चल रही है इसमें, और कहाँ पे आके अभी भी रुका नहीं है, थमने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों गिरावट, अभी भी गिर ही रहा है शेयर। तो देख सकते हो पिछले 6 महीने में 80% गिर चुका है दोस्तों ये शेयर, 80%, और मैक्सिमम देखिए अभी तक 84% ये शेयर गिर चुका है। 2020 में ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है दोस्तों, और ये 400 तक जा चुका था शेयर, और वहाँ से इसमें गिरावट हुई है दोस्तों, 200 तक नीचे आ चुका था, फिर से रिकवरी कर ली थी, बाद में बहुत बड़ा क्रैश आ चुका है दोस्तों। अभी इस शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों, 5-10 हज़ार अपनी अमाउंट लगा सकते हो दोस्तों इस शेयर में, अगर बाउंस बैक होता है तो आपको आपके पैसे डबल भी हो सकते हैं, ऐसे शेयर पे आप अपनी नज़र बना के रखिए। अदरवाइज आप इससे बस इन्फॉर्मेशन के लिए लीजिए, और इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। अगर ये बाउंस बैक करता है और स्ट्रांगली भागता है तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, और इसके क्वार्टरली रिजल्ट जरूर चेक करते रहिए। अगर ये कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो बहुत तेज़ी से भाग सकता है ये शेयर, तो इस शेयर पर अपनी नज़र बना के रखिए दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।